हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी, आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल शिवीटॉक्स पे। तो आज की हम लोगों की वीडियो है एक हेयर पैक के ऊपर। जो हेयर पैक हम अगर यूज़ करते हैं वीकली या मंथली दो बार, तो हमारे हेयर्स की हेयर फॉल जो है हमारी वो एकदम से कम हो जाएगी, न्यू हेयर्स की ग्रोथ बढ़ेगी और नए नए आपके सर पे बाल आएंगे। हमने जैसे सुना ही होगा कि आंवला, रीठा और शिकाकाई हेयर के लिए बेस्ट ऑप्शंस माने जाते हैं। ये तीनों ऐसी इंग्रेडिएंट हैं नेचुरल, जो करीबन बहुत एंशिएंट टाइम से यूज़ करते आए हैं लोग अपने हेयर्स के लिए। आंवला, शिकाकाई और रीठा लोग यूज़ करते थे हेयर को क्लीन करने के लिए, हेयर की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इसकी ऑयल्स यूज़ होती थी बना के, इसके पैक्स तो उस टाइम होते नहीं थे, पैक कम शैम्पू यूज़ होते थे, ये हम सबको पता है। लेकिन मार्केट में आप अलग अलग आपको लेना पड़ जाता है शिकाकाई, आंवला और रीठा। आप चाहो तो अगर आपको ओरिजिनल मिल रही है तो आप उसे ले लो इस पैक को बनाने के लिए। अगर आपके पास वो ओरिजिनल वाली अवेलेबल नहीं हो पाती है तो आप अलग अलग पाउडर्स भी ले सकते हो। एब्स गुडनेस की मिल जाएगी, बायो ऑर्गेनिक की मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूँ कि अलग अलग आप आंवला, रीठा, शिकाकाई पाउडर लेने से अच्छा है क्यों ना आप ट्राई करो एब्स गुडनेस की ये आंवला, रीठा, शिकाकाई पाउडर। 3-in-1 पाउडर है ये, इसमें तीनों मिक्स किया हुआ है, तो आपको अलग अलग लेने का कोई झंझट ही नहीं है। जस्ट आपको इसको परचेस कर लो, उसके बाद आप अपने बालों पे यूज़ करो अलग अलग वे से और पाओ सुंदर, खूबसूरत, ना झड़ने वाले लंबे मजबूत बाल। ठीक है, तो चलो इस पैक को हम बनाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ purple.com पे ही अवेलेबल है। पर इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। ये प्रोडक्ट 99 रुपीज़ की है, बट मुझे ये 84 रुपीज़ में रिसीव हुई। 50 ग्राम की है ये पैक। ऐसे आप देखो पूरी सील्ड पैक होके आती है, ये प्लास्टिक नहीं है, मोटा जो कागज़ होता है उस टाइप का क्वालिटी इसके अंदर, इसको प्लास्टिक से रैप किया हुआ है। ये जिपलॉक पैक है। साड़ी मैं दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि ये टोटली हर्बल है। अब्स गुडनेस, नो पैराबन, नो SLS, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। अब्स गुडनेस की बहुत सारी वैरायटी ऑफ पाउडर्स है हेल्थ एंड वेलनेस के लिए, स्किन के लिए एज वेल एज हेयर के लिए। तो आप जाओ फटाफट से और purple.com पे जाके, इसकी लिंक के थ्रू आप purple.com पे जाओ और जाके अच्छी अच्छी पाउडर्स अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए परचेस करो। चलो इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस पैक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए अपने हेयर लेंथ के हिसाब से ये पाउडर। इसके बाद इसमें आपको अप्लाई करनी है कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल। दोनों में से आप कोई एक भी यूज़ कर सकते हो या दोनों यूज़ कर सकते हो। ऑलिव ऑयल भी इसके जगह आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको लेनी है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास नेचुरल ओरिजिनल वाली हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है, सो मैं ये जेल यूज़ कर रही हूँ मार्केट वाली। अब आपको लेनी है थोड़ी सी हनी। आपको अगर हनी सूट नहीं करती है तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हो। इसके बाद आपको इसको विथ वाटर एक स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इसके जगह कर्ड यूज़ कर सकते हो या तो आप हनी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इसको स्मूथ पेस्ट आप वाटर के साथ बनाओ। अगर आप कर्ड के साथ बना रहे हो तो ये कर्ड से ही स्मूथ पेस्ट बन जाएगी। पेस्ट को थोड़े देर, कम से कम आधा घंटा, एक घंटा के लिए आप फूलने के लिए छोड़ दो। ये पाउडर थोड़ी सी फूल जाएगी, अगर ओवरनाइट रखते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। देन आपको क्लीन हेयर में, मीन्स कि एक दिन पहले या दो दिन पहले भी शैम्पूड हेयर हो सकता है, बस बी श्योर कि आप गंदे बालों पे इसे ना लगाएं। अगर आप बाहर गए हो तो आप हेयर वॉश करके ही इसे अप्लाई करें।
अपने हेयर्स को आप हल्की सी डैम्प कर ले ताकि ये जो पैक है अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके। स्कैल्प में आपको ज़्यादा ध्यान देनी है, स्कैल्प से रूट तक अच्छे से इसको आपको अप्लाई करनी है। थोड़ी मेसी हो सकती है इसलिए आप ओल्ड टी शर्ट पहन ले। इसको अप्लाई करने के बाद एक पॉलीथीन हेयर कैप है तो ठीक है, जो हमारी शावर कैप आती है वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल प्लास्टिक जिसमें हमारे घर में सामान आती है, उसको आप रैप कर दो ताकि ये ज़्यादा मेसी ना हो। देन इसको आप 1 से 2 घंटा रखो, रख के नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो। अगर थोड़ी सी भी रेसिड्यू रह जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसे आप 1 से 2 घंटा रखने के बाद माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लो। कंडीशन आपको करना है तो करो, मैं तो बोलूँगी आप कंडीशनर का यूज़ यहाँ मत करो क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ ऑयल यूज़ किया है, हेयर को नॉर्मली कंडीशन करती है। सो आप शैम्पू कर लो, अगर कोई भी पार्टिकल्स इस पाउडर की रह जाती है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जब ये ड्राई हो जाएगी आप कॉम करोगे तो सारी की सारी बाहर आ जाएगी। इसे आपको यूज़ करना है एक वीक में एक बार आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है 15 डेज में एक बार यूज़ कर सकते हो, मंथ में एक बार यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, तो आप इस पैक को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ शेयर करें अपने रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करते जाना, मेरी चैनल या मैं अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करके जाना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करते जाना और इस वीडियो को आगे शेयर करते जाना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि वो भी इस पैक को लगा के अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।